नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो पार्टीज के द्वारा किया जाता है टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच हैव अराइजन और विच मे अराइज बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कंट्रेक्चुअल और नॉट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो पार्टीज बनाती है अपने आर्बिट्रेशन से डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो कि उनके बीच में अराइज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में चाहे बेशक हो या ना हो। एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, या तो इसका एक सेपरेट एग्रीमेंट बनता है या आर्बिट्रेशन के बारे में क्लॉज में लिखा जाता है एक सेपरेटली कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज डलवा दिया जाता है कि आगे अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। ये हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टू बी मेड इन स्पेसिफिक क्लॉजेस बट नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। एक्ट के अंदर किसी स्पेशल तरीके का अग्रीमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, कोई फॉर्मेट नहीं है, बट इसको फिर भी लिखवाया जा सकता है ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। इसका हमेशा जो एग्रीमेंट है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। इसे वर्बल या ओरल अग्रीमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। इट शुड ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, ऑल्दो साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट इज एसेंशियल बट नॉट ऑलवेज। अग्रीमेंट जो आपका आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट है उसका साइन करना जरूरी है दोनों पार्टीज का, बट नॉट ऑलवेज। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज के सिग्नेचर हमेशा हो। इट अफर्म्स कंडीशन एसेंशियल डेट इट रिकॉग्नाइज द मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आजकल फैक्स कर देते हैं लोग या टेलेक्स कर देते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं अग्रीमेंट्स। फिर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज और सेपरेट अग्रीमेंट। ये एक्सप्लेन करता है कि ये या तो एक अलग से क्लॉज बने इसका या एक सेक्रीमेंट सेपरेट अग्रीमेंट ही रेडी हो जाए, उसी को हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कहते हैं। एंड देयर शुड बी इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू हैव देयर डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस रेफर्ड एंड डिसीजन थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के थ्रू उनका सेटलमेंट करने का मूड होना चाहिए, तभी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सक्सेसफुल होता है। तो इन नटशेल आर्बिट्रेशन एक फॉर्म ऑफ ADR है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि लीगल टेक्निक है किसी भी डिस्प्यूट को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के लिए, ठीक है। एंड द पर्सन टू होम डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड आर कॉल्ड आर्बिट्रेटर। इसको जो सॉल्व करते हैं उसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। और ये पार्टीज मस्ट हैव फेथ ऑन हिम, पार्टीज का फेथ होना चाहिए इसके अंदर। ये एक तरह का सेटलमेंट टेक्निक है जिसमें थर्ड पार्टी अपने रिव्यूज देती है और अपना डिसीजन बाइंडिंग करके इनको एक अवार्ड घोषित कर देती है। फीचर्स क्या होते हैं इसके? कंसेंशुअल होता है ये, न्यूट्रल होने चाहिए जो आर्बिट्रेटर्स हैं, पार्टीज उनको खुद चूज करें, कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर है ये, एक डिसीजन इसका फाइनल और बाइंडिंग होना चाहिए। फर्स्ट देयर वॉज आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के जरिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अगर इसमें एक चीज और भी है कि इट मींस अग्रीमेंट एक जो है ये सेक्शन 2A में बताया गया है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में, और उसके बाद ये सबमिट किया जाता है फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन वेदर और आर्बिट्रेटर इज नेम देयर और नॉट। नाउ सेक्शन 7 डील करता है इसके अंदर, मतलब 1940 में सेक्शन 2A में मेंशन था और 1996 में जब नया आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बना उसमें सेक्शन 7 में इसको डिफाइन किया गया है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसको अच्छे से करना है।